द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg. ए बी सी का एवरेज वेट 40 kg है, ओके. और अगर इनका कंबाइन वेट निकालेंगे तो 120 kg हो जाएगा, क्योंकि एवरेज ए बी सी बाई 3 इज 40 kg. तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, 120 kg. आगे चलते हैं. द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg. तो बी प्लस डी प्लस ई क्या हो जाएगा, अगेन 126 हो जाएगा, 42 × 3. एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, ये हमारे पास गिवन है. वॉट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, लेट्स चेक इट आउट. तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 40 kg होगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे 120 kg हो जाएगा. बी प्लस डी प्लस ई कितना होगा, 126 kg होगा, ओके. क्योंकि सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होता तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता. आ गया. अभी इन्फॉर्मेशन क्या है, बी इक्वल टू एफ गिवन है और हमें निकालना है ए बी सी डी ई एफ, सभी का निकालना है. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली बी को हम एफ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बी और एफ का तो सेम है. तो एफ डी ई का भी जो एफ कॉमन वेट होगा, सम होगा वेट का, वो 126 kg हो जाएगा. मीन्स एवरेज जो होगा एफ प्लस डी प्लस ई का, वो भी 42 kg होगा. क्यों, क्योंकि बी तो एफ के इक्वल है, तो बी रखो या एफ रखो बराबर ही है, राइट. तो 126 kg हो गया इनका कंबाइंड वेट, और ए बी सी का 120 kg है. अब हमें एवरेज निकालना है ए बी सी डी प्लस ई प्लस एफ का. तो ए बी सी डी ई एफ सारे सम करेंगे और डिवाइड बाई 6 होगा. ए बी सी का हमें पता है 120 kg, डी ई एफ का हमें पता है 126 kg, यहाँ पे डी ई एफ, ओके. तो आप दोनों को जोड़ लो, 120 प्लस 120 प्लस 126, दैट इज 246 डिवाइड बाई 6, 41 kg आ जाएगा. दैट इज द आंसर. सो सी दैट इज 41 kg इज द आंसर हियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.